चूरू के तारानगर से है, जहां कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसी को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम की ओर से गठित QRT टीम और पुलिस थाने के जवानों ने शहर के मुख्य रास्तों से फ्लैग मार्च निकाला, साथ ही लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की गई। इस दौरान QRT टीम के इंचार्ज कृष्ण कुमार भी मौजूद रहे। जिला पुलिस अधीक्षक चूरू श्री तेजस्वी गौतम महोदय के निर्देशानुसार एक QRT टीम बनाई हुई है, जिसका मैं इंचार्ज कृष्ण कुमार सब इंस्पेक्टर हूँ। हम SP साहब के महोदय के आदेश अनुसार प्रत्येक दिन एक तहसील में जाते हैं, वहाँ अनाउंसमेंट करके दुकानदारों को और जो आम नागरिकों को अपील करते हैं कि लॉकडाउन की फुल पालना की जाए और उनको समझाइश करते हैं और उनको जो पालना करने के निर्देश है वो बताए जाते हैं। और हमारे द्वारा संबंधित तहसील के अंदर स्थानीय थानाधिकारी के नेतृत्व में हम फ्लैग मार्च करते हैं। इस प्रकार से हम प्रत्येक तहसील में, जैसे चूरू से शुरू हुए थे, वापस कल चूरू पहुंचेंगे। प्रथम चूरू, फिर सरदार शहर, फिर रतनगढ़, सुजानगढ़, बिदा शहर, राजगढ़ और तारानगर। नागौर के बखराना में